बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी संसदीय दल के नेता बने हैं अखिलेश यादव। बाबू सिंह कुशवाहा संसदीय दल के उपनेता बनाए गए, धर्मेंद्र यादव संसदीय दल के मुख्य सचेतक बनाए गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाबू सिंह कुशवाहा को संसदीय दल का उपनेता बनाया गया है, धर्मेंद्र यादव को संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। तो आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी संसदीय दल के नेता बने अखिलेश यादव, बाबू सिंह कुशवाहा को संसदीय दल के उपनेता बनाया गया है, वहीं धर्मेंद्र यादव को संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी संसदीय दल के नेता बनाए गए हैं अखिलेश यादव, वहीं धर्मेंद्र यादव और बाबू सिंह कुशवाहा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी संसदीय दल के नेता बने अखिलेश यादव, वहीं बाबू सिंह कुशवाहा को संसदीय दल का उपनेता बनाया गया है, वहीं धर्मेंद्र यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी संसदीय दल के नेता बनाए गए अखिलेश यादव, वहीं बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी संसदीय दल का उपनेता बनाया गया है। इनके अलावा धर्मेंद्र यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव बनाए गए हैं संसदीय दल के उपनेता, समाजवादी संसदीय दल के नेता बनाए गए हैं अखिलेश यादव, वहीं बाबू सिंह कुशवाहा को उपनेता बनाया गया है। और इस बीच बड़ी खबर एटा से आ रही है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया दुख, बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर जताया दुख, प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों की तबीयत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ने की घटना दुखद, ब्रजेश पाठक ने कहा है। बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, बच्चों की स्वास्थ्य अब ठीक है, ब्रजेश पाठक ने कहा है। एटा के केंद्रीय विद्यालय में बच्चों की तबीयत बिगड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख जताया है। आपको बता दें प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, वहीं अब बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख जताया है। एटा से